वी हैव विद अस जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट गीता. गीता, आपका यहाँ आना, व्हाट इज दैट इंप्लाइंग? See, we are supporting the movement which is going on, and this is not just about SSC also. It's been happening with all over the country basically. Abhi CBSC ka kuch din pehle paper leak hua. Like, this is another kind of flow that the government can go in, and they're not taking any stand. Matlab hum logo ka bhavishya ya hum logo ka life एकदम मायने नहीं रखता सरकार के लिए, या क्या ये बात वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं? जिस तरीके से सरकारी एजुकेशन को स्कूलों में बर्बाद किया गया, उसके बाद अब यूनिवर्सिटीज में भी, देश में कोई यूनिवर्सिटी आप उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी शांति से कुछ नहीं हो रहा है. हर जगह पे जो स्टूडेंट्स को बेदखल करने का जितना भी नीतियाँ हो सकता है सब लागू किया जा रहा है. एसएससी का एग्जाम सदियों से लीक हो रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है. अभी स्कूल में सीबीएसई का पेपर लीक हो गया. सो द टर्मोइल इज नॉट जस्ट अबाउट एसएससी और नॉट जस्ट अबाउट अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट्स अबाउट द होल यूथ ऑफ द कंट्री. सो हियर वी आर टू सपोर्ट देम एंड यू नो व्हाट एवर वे वी कैन, एंड आवर सॉलिडैरिटी इज विद देम, एंड वी होप दैट यू नो दिस कम्स टू एन एंड विद ऑल ऑफ अस टुगेदर. अदरवाइज डिवाइडेड इफ वी स्टैंड देन दे विल एक्चुअली नॉट लिसन टू अस, देन हम लोग को ब्रांड किया जाता है किसी चीज में, कोई एंटी नेशनल हो जाता है, कोई पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी एंटी नेशनल हो जाता है. लेकिन वो अभी बोलने लायक सरकार बचा नहीं है. जिस तरीके से उनके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम दैट दे रियलाइज कि वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री.